अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। मध्य प्रदेश में काफी पौराणिक मंदिर हैं, जिसमें लोगों की अलग अलग आस्था है। यहाँ के हर एक क्षेत्र में ऐसे मंदिर हैं जहाँ देश दुनिया से लोग घूमने आते हैं। मध्य प्रदेश को आप धार्मिक नगरी भी कह सकते हैं। MP के ग्वालियर जिले में भक्ति का एक अनोखा रंग देखा गया। ग्वालियर में स्थित केंद्रीय जेल में एक ऐसा वातावरण बनाया गया जहां अपराध की दुनिया से जुड़े लोग भगवान की भक्ति में डूब गए। 15 फरवरी को कैदियों के लिए ग्वालियर केंद्रीय जेल के अंदर भागवत गीता कथा का आयोजन किया गया। इस दौरान रोजाना सुबह और शाम के समय आचार्य द्वारा गीता का पाठ किया जाता था और कैदियों को सही मार्ग दिखाने की गीता के द्वारा कोशिश की जाती थी। ये पाठ पिछले 10 दिनों से चल रहा है। 24 फरवरी को इस भक्ति कार्यक्रम का समापन होना है, जिसके लिए जेल के अंदर कैदियों द्वारा विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। आखिरी दिनों को खास बनाने के लिए जेल के कैदी अंतिम दिन पूजा के लिए 1,25,00,000 शिवलिंग बनाने का काम कर रहे हैं। वे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 9 घंटे तक काम करते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत से कैदी भगवान शिव की आराधना के लिए तैयारी कर रहे हैं। भगवान के बाबा महाकाल में रम गए हैं सभी बंदी अभी 7 दिनों से, तो जैसा भी बंदियों को अच्छा महसूस हो रहा है, बंदी जी बोल रहे हैं। ये जेल जेल नहीं लग रही हमको, तो ऐसा लग रहा है ये काशी है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। कितने शिवलिंगों का निर्माण किया जा रहा है? यहाँ 1,25,000,000। हाँ, क्या जेल के सभी बंदी लगभग सहयोग कर रहे हैं? सब भाई तन मन धन से लगे, आराम से बड़े प्रेम से लगे हैं, कोई दबाव नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, हम देख रहे हैं सदा यही चलता रहे, बहुत बड़ा आनंद आ रहा है। जेल विभाग के द्वारा और गुरु जी के आदेश द्वारा 1,25,000,000 शिवलिंग का ये रखा गया है, तो उसमें सभी बंदीगण और हमारे स्टाफ के लोग सभी भरपूर सहयोग कर रहे हैं और सभी शिवलिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं, बना रहे हैं।